वेल्सपन इन्वेस्टमेंट्स एंड कमर्शियल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 12.42 लाख का इनकम। तो दिसंबर 2022 के जो इनकम ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ही केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अब अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.57 लाख का खर्चा किया है। सेप्टेम्बर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.07 लाख का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8.18 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहां से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया है उससे ज्यादा कंपनी ने खर्च किया है, मतलब यहां की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में है। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 97.98% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 34.13% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का लॉस पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.94 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली कंपनी ने 39.72 लाख का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर की जो ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है वो है -0.02, सितंबर 2022 की वैल्यू निकल के आ रही है 8.05 की एंड दिसंबर 2021 की वैल्यू निकल के आ रही है -1.09 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ। बस इस 2 ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की कमियां ज़्यादा नेगेटिव में ही है एंड उसके ऊपर से कंपनी ने लॉस भी पोस्ट किया है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में। तो कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में है, उसके साथ साथ कंपनी ने लॉस भी दिया है। तो ओवरऑल जो कंपनी की रिजल्ट है दिसंबर 2022 के क्वार्टर की वो वीक निकल के आ रही है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 के क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।